मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एस के वर्मा ने बताया कि आज के कार्यक्रम में शहर के डीलर व सीड कंपनी वालों को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ स्टेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चरल CICR के अधिकारियों द्वारा कीटनाशक विक्रेताओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को जागरूक किया जाएगा कि वो अपनी बनचट्टियों को दूसरी जगह पर रखें, साथ ही जब खेतों के आसपास गुलाबी सूंडी दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों द्वारा जारी सलाह के अनुसार कीटनाशक का उपयोग करें। सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। ये जैसे पिछले साल गुलाबी सूंडी की वजह से नॉर्थ जोन में हरियाणा पंजाब राजस्थान में काफ़ी फसलों को नुकसान रहा था, उसी की मैनेजमेंट से संबंधित ये एक दिन की कार्यशाला रखी गई थी। इसमें सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CICR एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कंपनी के नुमाइंदे व सीड बेचने बीज बेचने वाले थोक विक्रेताओं की मीटिंग रखी गई थी। मुख्य उद्देश्य यही था कि पिछले साल जैसे नुकसान रहा, इस साल किसानों को अवेयर किया जाए और समझाया जाए कि पिंक वॉलवर्म से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। अगर पिंक वॉलवर्म का नुकसान कम होगा तो निश्चित तौर से किसानों की आमदनी अच्छी होगी। जैसे पिछले साल की अगर बात करें तो क्योंकि हरियाणा में गुलाबी सुंडी का प्रकोप 2018 से शुरू हो गया था, जो धीरे धीरे बढ़ते, पिछले साल क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया था, बारिश रुक रुक के आती रही, गुलाबी सुंडी के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन रही, इसी वजह से गुलाबी सुंडी का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ। दूसरा कारण ये था क्योंकि पिछले 14 साल से किसानों को पिंक वॉलवर्म की कभी समस्या नहीं थी, तो उनको इसकी कंट्रोल करने का ज्ञान भी कम था। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों को जागरूक किया जाए और अगर सही ढंग से टाइम पे स्प्रे किया जाए तो गुलाबी सुंडी को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि इसका कंट्रोल इम्पॉसिबल है।